नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज नेशन, मैं हूं अनुराग दीक्षित। 2022 के महादंगल में सबसे पहले बात करते हैं कांग्रेस नेता राहुल गांधी की, जो आज गोवा के दौरे पर हैं। इस दौरान राहुल गांधी का एक अलग अंदाज देखने को मिला। गोवा में राहुल गांधी मोटरसाइकिल पर सवारी करते नजर आए। इससे पहले राहुल गांधी मछुआरों के बीच भी पहुंचे थे। आपको बता दें कि गोवा में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए सभी दल जोर आजमाइश में जुटे हुए हैं। दो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कांग्रेस के नेता राहुल गांधी की। गोवा में विधानसभा का चुनाव, उससे पहले तमाम तरीके की कोशिशें हर राजनीतिक दल के द्वारा की जा रही हैं, लेकिन इस बीच सियासतदानों की एक अलग तस्वीर, राहुल गांधी की एक अलग तस्वीर यहां गोवा में नजर आई, जहां पर वो बाइक पर सफर करते हुए नजर आ रहे हैं। इससे पहले उत्तर प्रदेश में भी इस तरीके की तस्वीरें राहुल गांधी के सामने आ चुकी हैं, लेकिन यहाँ राहुल गांधी ट्रैफिक नियमों का पालन करते हुए नजर आ रहे हैं। बाकायदा हेलमेट भी राहुल गांधी ने पहन रखी है, उनके साथी ही इस वीडियो को बना रहे हैं। तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, ये गोवा की तस्वीर है, जहां पर राहुल गांधी गोवा की सड़कों पर बाइक पर सवारी करते हुए नजर आ रहे हैं। गोवा में विधानसभा चुनाव से पहले तमाम राजनीतिक दलों की तरफ से कोशिश की जा रही है कि कैसे गोवा के लोगों से कनेक्ट किया जाए। चलिए, गोवा के बाद अब बात करते हैं उत्तराखंड की, देहरादून की, जहां गृहमंत्री अमित शाह ने कांग्रेस पर हमला बोला। अमित शाह ने कहा कि चुनाव आते ही कांग्रेस के नेता अपने कपड़े सिलवाने लगते हैं। कांग्रेस के समय सड़कों पर नमाज होती थी, यह आरोप कांग्रेस पार्टी पर अमित शाह ने लगाया। बाढ़ के वक्त कांग्रेस कहां थी, ये सवाल अमित शाह ने पूछा। कांग्रेस लोक कल्याण कभी नहीं कर सकती, ये आरोप भी कांग्रेस पार्टी पर लगाया। साथ ही साथ अमित शाह ने कहा कि कांग्रेस पार्टी वादा खिलाफी करने वाली पार्टी है। क्या कुछ कहा अमित शाह ने, सुनवाते हैं आपको। मेरा काफला रुक गया था तो मैंने पूछा भाई क्या हुआ, तो साहब आपको मालूम नहीं है शुक्रवार है, तो क्यों शुक्रवार को क्या होता है। मैं तो थोड़ा सोचने लगा कि मुझे मेरा जनरल नॉलेज वीक हो गया, शुक्रवार में क्या होता है। तो उसने कहा शुक्रवार को नेशनल हाईवे बंद कर कर वहां नमाज पढ़ने की इजाजत नहीं देते हैं। शुक्रवार को छुट्टी देने की भी हिमाकत करने की सोची थी इन्होंने। मित्रों, ये तुष्टिकरण और एपिसमेंट करने वाले, ये तुष्टिकरण और एपिसमेंट करने वाले कभी भी देवभूमि का काम नहीं। चलिए, 2022 के महादंगल में अब बात अमित शाह शो की। यूपी में योगी ही बीजेपी का सीएम फेस होंगे, इस बात पर खुद अमित शाह ने मोहर लगा दी है। अमित शाह ने अवध पहुंचकर बीजेपी के पूरे गेम प्लान का ब्लूप्रिंट तैयार किया, विरोधियों पर गिन गिन कर वार किया और पार्टी पदाधिकारियों को जीत का मंत्र दिया। सवाल यही कि क्या है यूपी के लिए अमित शाह का मास्टर प्लान, और क्या ये प्लान यूपी में बीजेपी की नैया पार लगाएगा। जनता पार्टी के मिस्टर भरोसे चुनावी रणनीति के सबसे बड़े चाणक्य, बीजेपी के विजय रथ के सारथी, हिंदुस्तान की मौजूदा सियासत में जब भी शब्दों का जिक्र आता है तो जहन में सबसे पहला नाम जाहिर तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आता है, लेकिन उसके बाद जो तस्वीर सामने आती है वो है ये चेहरा, नाम है अमित भाई शाह। चुनावी नब्ज टटोलने में माहिर, विरोधियों पर जबरदस्त वार, बेहतरीन प्लानिंग, सटीक रणनीति और सदा हुआ एक्शन प्लान, यही है बीजेपी के लिए अमित शाह का सीधा सपाट मतलब। बीजेपी के शाह ने यूपी में चुनाव का शंखनाद कर दिया है। मिशन एक बार फिर 300 प्लस का करिश्मा दोहराने का है। जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम। यूपी में अगर बीजेपी 300 प्लस की बात करती है तो उसके पीछे है वो भरोसा जो पार्टी को मोदी शाह और योगी की तिकड़ी में नजर आता है। योगी और मोदी पहले से ही यूपी में अपना दमखम दिखा रहे हैं। मोदी कुशीनगर, सिद्धार्थनगर और वाराणसी में जनसभाएं करके विरोधियों के सामने विकास का महादाव चल चुके हैं। अब अमित शाह भी अवध में है,
मकसद है चुनावी तैयारियों का ब्लूप्रिंट फाइनल करना। सवाल यही है कि साल 2022 में महादंगल के लिए क्या है अमित शाह का मास्टर प्लान? अमित शाह के हिट फॉर्मूले से क्या होगी बीजेपी की राह आसान? इसे सिलसिलेवार तरीके से समझने की कोशिश करेंगे। भाजपा के आक्रामक चुनाव प्रचार की शुरुआत आज लखनऊ से हो चुकी है। खुद अमित शाह ने इस अभियान को लखनऊ से शुरू किया है। इस मौके पर भाजपा ने सदस्यता अभियान को भी शुरू किया है। यूपी की बिसात पर बीजेपी एक बार फिर पुराने दाव आजमा रही है। इसी कड़ी में सबसे बड़ा दाव है सदस्यता अभियान। बीजेपी का नारा है मेरा परिवार भाजपा परिवार। अमित शाह ने इस बार भी साल 2017 वाले अपने इसी फॉर्मूले के तहत 1.5 करोड़ से ज्यादा लोगों को पार्टी से जोड़ने का टारगेट सेट किया है। सदस्यता अभियान को बीजेपी वो ब्रह्मास्त्र मान रही है जो अब तक अचूक रहा है। बीजेपी की कोशिश इसी मेंबरशिप प्लान से यूपी के घमासान में अपने वोट बैंक को बढ़ाने की है, लेकिन क्या ये इतना आसान है? मैं एक हिसाब अखिलेश जी से मांगना चाहता हूँ कि 5 साल में आप विदेश कितने दिन रहे, इसका हिसाब जरा लखनऊ की और उत्तर प्रदेश की जनता को दे दीजिए। उत्तर प्रदेश में कोरोना आया, बाढ़ आई, आप कहाँ थे? यूपी में इस बार मुकाबला बेहद दिलचस्प है। नए सियासी समीकरण बन चुके हैं, विरोधी हमलावर है। इस बार के घमासान में बीजेपी विपक्ष के चक्रव्यूह में घिरी है। एक तरफ प्रियंका कांग्रेस की तरफ से बेहद आक्रामक पारी खेल रही है, तो दूसरी तरफ अखिलेश राजभर का ओबीसी लामबंद वाला मोर्चा है, फिर मायावती की सोशल इंजीनियरिंग वाला दाव और ओबीसी का मुस्लिम फैक्टर। इसमें बीजेपी के लिए सबसे बड़ी चुनौती है अपने ओबीसी वोट बैंक को एकजुट रखने की, क्योंकि पिछली बार के सहयोगी ओम प्रकाश राजभर इस बार अखिलेश के पाले में है। अब यूपी में खदेड़ा होबे का होबे, जोर से बोलिए का होबे, खदेड़ा होबे। देश खतरे में है, हिंदू खतरे में नहीं है, देश खतरे में है, संविधान खतरे में है, देश की संपत्ति खतरे में है। चुनावी नब्ज टटोलने में माहिर अमित शाह जानते हैं कि विपक्ष की जातीय लामबंदी की काट क्या है। शुक्रवार को लखनऊ में शाह ने वही चोट की। ये अखिलेश एंड कंपनी 2014, 17 और 19 में हमें ताने लगाती थी, मंदिर वही बनाएंगे, तिथि कभी नहीं बताएंगे। अखिलेश बाबू, तिथि बताना नहीं, मंदिर की नींव भी डाल दी है, आप तो 5,000 रुपया देने से भी चूक गए। शुक्रवार की रैली में महादंगल में बीजेपी का दाव बिल्कुल साफ हो चुका है। सबका साथ सबका विकास से लेकर धर्म का साइलेंट कार्ड, जिस पर फायदा दो तरफा है। राम मंदिर के मसले पर विपक्ष को घेरना, हिंदुत्व के कार्ड से जाति समीकरण को अपने हक में करना। लेकिन बात सिर्फ हिंदुत्व के कार्ड भर की नहीं है। अमित शाह ने उन तमाम मुद्दों की हवा निकाल दी है जिसे विरोधी अब तक एक अस्त्र की तरह इस्तेमाल करते आए हैं। यूपी में 2022 चुनाव में बीजेपी का चेहरा कौन होगा? क्या चुनाव के बाद योगी आदित्यनाथ ही मुख्यमंत्री होंगे? ऐसी तमाम अटकलों पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने विराम लगा दिया है। मोदी जी को फिर से एक बार 24 में प्रधानमंत्री बनाना है, तो 22 में फिर एक बार योगी जी को मुख्यमंत्री बनाना पड़ेगा। अमित शाह के इस बयान से दो बातें बिल्कुल साफ कर दी है। पहले, योगी ही पार्टी का सीएम फेस होंगे, और दूसरी, मोदी और योगी में जो कथित मतभेद की बात विरोधी कर रहे हैं उसमें कोई सच्चाई नहीं है। इतना ही नहीं, अमित शाह ने शुक्रवार की रैली में यूपी के विकास से लेकर लॉ एंड ऑर्डर तक के मुद्दे पर विरोधियों को करारा जवाब दिया। इतना गड्ढा छोड़कर गए हैं कि 5 साल में एक गड्ढा भरना असंभव, कोई भी नहीं भर सकता। उत्तर प्रदेश में अभी बहुत कुछ करने का बाकी है। मैं आपको कहने आया हूं, हम फिर से एक बार घोषणा पत्र लेकर आएंगे, और जो घोषणा पत्र लेकर आएंगे उसका 100% वादा हम फिर से भी पूरा कर 27 में आपके सामने है। 2022 में फिर एक बार
भाजपा को 300 पार करा दीजिए, उत्तर प्रदेश को हम देश में नंबर एक राज्य बनाकर रखेंगे, नंबर एक। भारत माता की। कुल मिलाकर कहे तो यूपी में अमित शाह शो का आगाज हो चुका है। पहला फोकस मेंबरशिप बढ़ाने पर है। शाह की सोच यही है कि जितना संगठन मजबूत होगा, जीत की संभावना उतनी ही मजबूत होगी। सदस्यता अभियान से बीजेपी की अपनी पहुंच यूपी के घर घर तक बढ़ाना चाहती है। इसके साथ ही हिंदुत्व के कार्ड से विपक्ष के जातीय समीकरणों को काउंटर करेगी, साथ ही विकास के काम का जिक्र घर घर तक पहुंचाएगी। वहीं बूथ स्तर पर कार्यकर्ताओं की बड़ी फौज तैयार कर बम्पर वोटिंग को सुनिश्चित करेगी। अमित शाह की रणनीति यूपी में 2014, 2017 और फिर साल 2019 के विधानसभा चुनाव में अपना चुके हैं। साल 2014 में पूरे देश में बीजेपी के करीब 3.25 करोड़ सदस्य थे, जो साल 2020 में 18 करोड़ से ज्यादा हो गए। सीटों पर इसका साफ साफ असर दिखा। 2014 में बीजेपी को कुल 282 सीटें मिली थी। अकेले यूपी में 80 में से 73 सीटें बीजेपी को हासिल हुई थी, जबकि इसी फॉर्मूले के दम पर 2019 में बीजेपी ने एक बार फिर लोकसभा चुनाव में बम्पर 303 सीटों पर जीत दर्ज की। यूपी में साल 2017 के चुनाव में बीजेपी और सहयोगियों को करीब 3.5 करोड़ वोट मिले थे। अभी यूपी में बीजेपी के 2.5 करोड़ सदस्य हैं। बीजेपी का टारगेट 4 करोड़ सदस्य बनाने का है। 2014 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने करिश्मा कर दिखाया था, तो इसलिए अमित शाह जी के इस रणनीतिक कौशल का लाभ उत्तर प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की यूनिट को मिलने जा रहा है। ये भारतीय जनता पार्टी की यूनिट के लिए सौभाग्य का विषय है कि देश के यशस्वी गृहमंत्री श्री अमित शाह जी का आगमन हो रहा है और भारतीय जनता पार्टी के उत्तर प्रदेश के कार्यकर्ता उनसे ऊर्जा प्राप्त करेंगे। विपक्ष को अब तक बीजेपी अपने बूथ लेवल के दमदार मैनेजमेंट की वजह से शिकस्त देती रही है। यही अमित शाह का हिट फार्मूला है, जो हर बार कारगर सिद्ध हुआ है। हालांकि इस बार यूपी में विकास की बयार, बाहुबलियों का सर्वनाश और राम मंदिर का निर्माण, ये ऐसे मुद्दे हैं जिनके दम पर बीजेपी 300 प्लस के पार जाने के दावे अभी से कर रही है। टी न्यूज नेशन। एक छोटा सा ब्रेक, तुरंत हाजिर होते हैं।